हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और आज हम करेंगे आपकी फरवरी की रीडिंग फ्रॉम 1 टू 15th ऑफ फेब, और बाकी के आधे मंथ की बाद में आएगी। एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ मंथ ऑफ लव बिकॉज ऑफ यू नो वैलेंटाइन डे ऑन 14th। सो देखते हैं, आपके कार्ड्स हमने पहले से निकाल रखे हैं और टर्न करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से कार्ड्स हैं आपके लिए। टेम्परेंस, द एम्प्रेस, एट ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, द मजिशियन इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। ओके कैंसर, ऐसे कि आपके लाइफ में जो इस वक्त कोई आया है या नियर पास्ट में आया, कुछ दिन पहले की बात है, या फिर इस समय आ सकता है इन दिस मंथ फ्रॉम 1 टू 15, वो जो भी इंसान होगा बहुत परफेक्ट होगा, क्लोज टू परफेक्शन, एज अ गिफ्ट की तरह। ऐसा कोई इंसान जो आपने सोचा नहीं था कि ऐसा कोई हो सकता है, पॉसिबली आपके लाइफ में आ सकता है, ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड पर्सन आ सकता है। ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। आप देख रहे हैं, ये जो हाथ आप देख रहे हैं यहाँ पिक्चर में, इसके ऊपर ये कप है। दैट मीन्स कि द यूनिवर्स इज ग्रांटिंग यू योर विश। यूनिवर्स आपको आपने जो इच्छा की थी, जो विश की थी, वो आपको वो दे रहा है। बट हियर आई सी विद द एम्प्रेस, द एम्प्रेस के साथ मुझे लग रहा है कि आप डाउट करेंगे। क्या आपके दिमाग में ये चलेगा कि क्या वाकई ये पर्सन इतना अच्छा है जितना दिख रहा है, इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है? इस चीज को लेकर आप थोड़ा डाउटफुल हो जाएंगे, बिकॉज यस दिस पर्सन इज ऑलमोस्ट परफेक्ट, ये पूरा परफेक्ट आपको लगेगा। आप डाउटफुल हो जाएंगे कि पता नहीं ये जो दिख रहा है वो सही है या इल्यूजन है, धोखा है। इस चीज को लेकर आप थोड़े परेशान रहेंगे। और यहां आप देख रहे हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, हालांकि ये थोड़ा जल्दबाज टाइप का पर्सन है, ये आपके रिएक्शन का वेट कर रहा है, ईगर है, इसको जल्दबाजी है, इसके अंदर पेशेंस नहीं है। ये सोच रहा है कि आप कब इसकी बात का जवाब देंगे, कब अपनी तरफ से मूव करेंगे या कब इसको रिस्पांस देंगे, ये वेट कर रहा है पेशेंटली। मतलब कि ये जितनी तेजी से चीजों को आगे ले जाना चाहता है, आप उतनी तेजी से ले नहीं जा रहे। एंड ये चीज जो है इस पर्सन को समझ नहीं आ रही, क्योंकि इसका बिहेवियर है मे बी अ फायर साइन, हो सकता है कोई फायर साइन हो। बट आप ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं, आपको यही लग रहा है कि इतना परफेक्ट है कैसे हो सकता है, ये इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहा है, कुछ गलत तो नहीं है ये जो रो है, इससे आपको ऐसा लग रहा है। यहां आप देख रहे हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यहां एफिनिटी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि ये पर्सन जो है आपसे बहुत अट्रैक्टेड है और आप भी इससे अट्रैक्टेड है, येट आप कॉशन ले रहे हैं, आप थोड़ा सावधानी बरत रहे हैं और थोड़ा सोच समझ के चलना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको ये टू गुड लग रहा है फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ, हालांकि बहुत एफिनिटी है, बहुत अट्रैक्शन है। हियर आई सी द मजिशियन इन रिवर्स। मजिशियन इन रिवर्स का मतलब है, मुझे लगता है कि आपके दिमाग पे अभी भी आपके पास्ट के पार्टनर्स का जो असर है वो ओवर नहीं हुआ है। मे बी आप प्रीवियसली किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, उसने आपको ऐसे हर्ट किया कि वो आपके माइंड को अभी भी अफेक्ट कर रहा है, आपके सोचने के तरीके को अभी भी अफेक्ट कर रहा है। इसी रीजन से आप देख नहीं पा रहे हैं इस पर्सन को सही तरीके से, और आपको लग रहा है कि इतना कोई अच्छा कैसे हो सकता है, पहले भी तो मैं रिलेशन में रहा हूं या रही हूं और चीजें मेस्ड अप हो गई थी, बहुत ही बदतमीजी से बात की किसी ने मुझसे और ब्रेकअप एंड सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये जो चीजें हैं, अगली बिटर फाइट में आपका प्रीवियस रिलेशनशिप जो था एंड हुआ, किसी मतलब बहुत ज्यादा अच्छे टर्म्स पे नहीं रह गए आप और झगड़े से वो खत्म हुआ। आपने भी ऐसी बहुत बात कही जो सामने वाले को इंसल्टिंग लगी, और आपने ऐसी कई बातें सुनी जो आपको इंसल्टिंग लगी। नाउ वो चीज जो है आप उससे ओवर नहीं हो पा रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड आप देख रहे हैं, ये एग्जाइल में है, यानी ये कहीं दूर जाके बैठा हुआ है, अपने लिए स्पेस चाहता है, और ये सब उसके लिए बहुत है, टू मच ऑफ इट, केओटिक है। इस इंसान की जल्दबाजी और इतना किसी का परफेक्ट होना,
ये इसके लिए टू मच हो रहा है इस समय में, ये इसको अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, इसे समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए. नेक्स्ट वी हैव द टेम्परेंस. टेम्परेंस देख रहे हैं आप, ये दिखा रहा है फॉर्चुनेट मैरिज. इनकेस आप अगर शादी करने जा रहे हैं तो वो एक फॉर्चुनेट मैरिज होगी, आप उसमें खुश रहेंगे. एंड यहां पे है थ्री ऑफ पेंटिकल्स. यहां थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये शो कर रहा है कि आपके जो मॉनेटरी एस्पिरेशंस है वो ट्रू होंगे, या आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा बिकॉज दिस इज अ टू वे रीडिंग, या जो ये पर्टिकुलर पर्सन है ये बहुत सक्सेसफुल है, इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है. मतलब दिस पर्सन इज प्रिटी क्लोज टू परफेक्ट, और आप ये चीज नहीं समझ पा रहे और डाउटफुल भी हैं बिकॉज आपके पास्ट ने जो इम्प्रेशन छोड़ा है आपके दिमाग में उसको लेके, तो उससे ऊपर होना है आपको और देखना है रियलिटी क्या है. बट लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर कैंसर. सॉरी, मैसेजेस फॉर कैंसर. Messages for Cancer for the month of February from 1 to 15. Okay. Almoria Awakening Presence. The universe is with you. Wear a cloak of protection and love. Okay. So, आपके साथ universe है. आप protected हैं और loved हैं. बाय द यूनिवर्स, आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी रक्षा कर रहा है. तो आप प्लीज इस बात से डरे नहीं कि आपको कोई हर्ट कर देगा, क्योंकि आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता इस वक्त. यूनिवर्स आपकी प्रोटेक्शन करेगा. और आप अपने प्यार को दिखाने से डरे नहीं, या किसी के प्यार को एक्सेप्ट करने से डरे नहीं, किसी का ऑफर प्रपोजल एक्सेप्ट करने से डरे नहीं, जस्ट बिकॉज आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो बिल्कुल अनप्लीजेंट था और अब आप वो दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा नहीं होगा. फिलहाल आपके लिए चीजें बहुत अच्छी बनी हुई हैं एंड द यूनिवर्स इज विद यू. सो दिस वाज द रीडिंग फॉर फरवरी. फॉर द नेक्स्ट हाफ ऑफ मंथ वी विल मीट नेक्स्ट टाइम. टिल देन बाय.